हेलो एवरीवन, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम मुझे ऐसा फील हो रहा है तो प्लीज मुझे बताएं मुझे बेबी बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। तो आज मैं आपको जो है ये सिम्टम्स के पीछे असल में जो फैक्ट क्या रहता है वो क्लियर करने वाली हूँ, ताकि आप खुद ये डिसाइड कर सकें आपको बॉय होगा या फिर आपको गर्ल होगी। तो सबसे पहला सिम्टम्स है मॉर्निंग सिकनेस को लेकर के। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको वोमिटिंग जैसी फील होती है या फिर आपको महक लगती है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। तो ये एक प्रकार का मिथ है, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी का एक बहुत ही सामान्य लक्षण होता है, जो कि 70% से 80% महिलाओं को प्रभावित करता है। और ये जो मॉर्निंग सिकनेस की समस्या होती है वो ज्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक रहती है एंड उसके बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है। कुछ महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी भी रहती है। इसका जो मेन कारण होता है वो होता है आपकी बॉडी में बहुत ही तेजी से हार्मोनल चेंजेस, जिस वजह से आपको मॉर्निंग सिकनेस की समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरा सिम्टम्स है हार्ट बीट को लेकर। ऐसा बोला जाता है कि अगर हार्ट बीट 140 से कम रहती है तो आपने बॉय कंसीव किया है एंड अगर इससे ज्यादा होती है तो आपने गर्ल कंसीव की है। हार्ट बीट का मतलब होता है आपके बच्चे की धड़कन, और ये कम या ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि जब आप अल्ट्रासाउंड कराती हैं उस समय अगर आपके बच्चे का दिल जो है बहुत जल्दी जल्दी धड़कता है तो ये हार्ट बीट थोड़ी सी हाई हो जाती है, लेकिन अगर थोड़ा स्लो धड़कता है तो ये हार्ट बीट कम हो जाती है। और ये जो है प्रेगनेंसी में वीक्स वाइज चेंज होती रहती है, फिर चाहे आपके गर्भाशय में गर्ल हो या फिर बॉय हो, दोनों की धड़कन कभी भी स्लो भी हो सकती है एंड तेज भी हो सकती है, तो इससे आपके जेंडर का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तीसरा जो सिम्टम्स रहता है, बेबी बॉय के टाइम पर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करती है एंड आपके बाल वगैरह भी बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आप पूरी प्रेगनेंसी अच्छे से हेल्दी डाइट एंड आप फ्रूट्स, जूस, दूध, इन सभी चीजों का अगर बहुत ही अच्छे से सेवन करती हैं तो आपकी स्किन ऑटोमेटिक ग्लो करने लगती है। अगर आप अच्छे से अपना ध्यान नहीं रखती हैं, आप कोई भी न्यूट्रिशंस नहीं लेती हैं, तो आपकी स्किन का ग्लो ऑटोमेटिक चला जाता है और इससे लड़का या लड़की का कोई भी संबंध नहीं होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान आपके चेहरे पर पिंपल्स या फिर झाइयां या फिर कालापन कुछ भी होता है तो उसका जो मेन रीजन होता है वो होता है आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस। चौथा सिम्टम्स है कि ऐसा बोला जाता है कि अगर आपकी यूरिन का कलर डार्क रहता है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। यूरिन का कलर चेंज होना प्रेगनेंसी में बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि अगर आप पानी बहुत ही अच्छी मात्रा में लेती हैं तो आपकी यूरिन का कलर हल्का रहता है, लेकिन अगर आप पानी बहुत ही कम मात्रा में लेती हैं तो आपकी यूरिन का कलर ऑटोमेटिक डार्क हो जाता है। और आप प्रेगनेंसी के दौरान जो भी सप्लीमेंट्स वगैरह लेती हैं एंड जो भी डाइट लेती हैं उससे भी आपकी यूरिन का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, इसलिए इसका जेंडर से कोई भी संबंध नहीं होता है। एंड अगला सिम्टम्स है आपके ब्रेस्ट के आकार को लेके। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका दायां ब्रेस्ट बाएं ब्रेस्ट से बड़ा होता है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। इसके पीछे जो फैक्ट है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में जो हार्मोनल परिवर्तन होते हैं उनसे आपके ब्लड फ्लो में सुधार होता है और आपके जो ब्रेस्ट में टिश्यू होते हैं उनमें भी परिवर्तन होता है, जिस वजह से आपके ब्रेस्ट के साइज काफी ज्यादा बड़े नजर आते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान आपके ब्रेस्ट में सूजन भी आ जाती है, क्योंकि जो आपके ब्रेस्ट होते हैं वो जन्म के बाद बेबी को पर्याप्त पोषण देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। और अगला सिम्टम्स है कि अगर आपके प्रेगनेंसी के दौरान पैर ठंडे रहते हैं तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके पैर ठंडे रहते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। एंड अगर बहुत ज्यादा ठंडा मौसम रहता है तब भी आपके पैर ठंडे रहते हैं, एंड अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो इस वजह से भी आपके पैर बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं, तो ऐसा महसूस करने पर आपको एक बार डॉक्टर से जरूर मिलना है। अगला सिम्टम्स है मूड स्विंग को लेकर। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आती है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं एंड इसके अलावा आपको बहुत सारे दर्द का भी सामना करना पड़ता है, जैसे आपके घुटनों में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द एंड आपको नींद भी नहीं आती है और आप कुछ अच्छे से खा भी नहीं पाती है, आपको उठने, बैठने, चलने हर चीज में दिक्कत होती है, जिस वजह से आपको कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, कभी
कभी बहुत ज्यादा रोने का मन करता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है और आपको सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है, जिस वजह से भी आप बहुत ज्यादा परेशान रहने लगते हैं, तो इसका जेंडर से लेकर कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। और बेटा हो या बेटी, सभी गॉड गिफ्टेड है, तो प्लीज उनको एक्सेप्ट करिएगा और मन में कोई भी दुविधा ना रखें। तो आपको ये सब बहम पालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर हम पहले जमाने की बात करें तो पहले जो हमारी दादी नानी हुआ करती थी वो इसलिए अंदाजा लगाती थी क्योंकि उस समय स्कैन वगैरह की कोई भी सुविधा नहीं होती थी, तो बस लोगों के मन में एक इच्छा रहती थी कि क्या होगा, लड़का या फिर लड़की। तो सीधी सी बात है, दोनों में से एक तो होना ही है। और अगर इन सिम्टम्स की बात करें तो ये जो ज्यादातर सिम्टम्स होते हैं वो प्रेगनेंसी में रहते ही रहते हैं, तो इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है और पहले के लोग भी अंदाजा ही लगा लेते थे। तो इन सिम्टम्स के तौर पे बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि आपको लड़का होगा या फिर आपको लड़की होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।